हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू अ टॉपिक दैट इज ट्रैफिकिंग एंड करप्शन। दीज बोथ टॉपिक्स आर मेंशन अंडर यूनिट 4 ऑफ स्पेशलाइजेशन पोर्शन ऑफ योर एग्जाम दैट इज सुपरवाइजर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस आर्टिकल के अंडर प्रोहिबिट की गई है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर, फॉर प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच ईयर इंडिया रेटिफाइड UNCTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इस कन्वेंशन को इंडिया ने कब रेटिफाइड किया? रेटिफाइड मतलब अडॉप्ट किया, साइन किया एंड ही एग्रीड कि इनकी रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही लॉज बनाए जाएंगे इंडिया में। सो ऑप्शन ए इज 2010, ऑप्शन बी इज 2011, ऑप्शन सी इज 2009 एंड ऑप्शन डी इज 2008। सो द करेक्ट आंसर इज 2011। इंडिया रेटिफाइड UNCTOC कन्वेंशन इन 2011 और इसी के अकॉर्डिंगली सारे रूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इंटरनेशनल फ्रंट पे होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स रिसेंटली वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज करप्शन, ऑप्शन बी इज टेररिज्म, ऑप्शन सी इज साइबर क्राइम एंड ऑप्शन डी इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स टू रिसेंटली जो हुआ न्यूज में रहा है वो किससे रिलेटेड है? क्या करप्शन से, टेररिज्म से, साइबर क्राइम से या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से? सो इट डील्स विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये किसके द्वारा किया गया था या आप स्टॉर्म मेकर्स जो ऑपरेशन है इट वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मैंने आपको जब हमने करप्शन और ट्रैफिकिंग के रिलेटेड लेक्चर किया था उसमें मैंने बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री। एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल्स किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो करेक्ट आंसर इज होम अफेयर्स। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो सेटअप विद इन इंडिया होता है, जो उसको रेगुलेट करने का जो जिम्मा होता है, दैट इज ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ट्रैफिकिंग इज अ इलीगल और क्रिमिनल ऑफेंस, उसे रेगुलेट करने के लिए जो भी नोडल सेल्स बनाए गए हैं दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। दिस इज वेरी इजी, यू कैन इजिली आंसर। ऑप्शन ए इज टू प्रमोट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑप्शन बी इज टू लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑप्शन डी इज टू रेगुलेट सेल ऑफ एल्कोहल। सो द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट का जो मेन फोकस है दैट इज टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट इज ऑन व्हाट डे डज द ग्लोब सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑल द इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स स्पेशली रिलेटेड टू द टॉपिक्स विच हैव बीन मैंशन इन योर सिलेबस यू हैव टू कीप दैम इन माइंड। सो द वट विल बी द करेक्ट आंसर? डिसम्बर 9, 10, 11 और 12। So the correct answer is December 9. So what is the theme of Anti-Corruption Day in 2023? 2023 में जो करप्शन डे बनाया गया है एंटी करप्शन डे, उसकी क्या थीम रही है? जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी कुछ थीम रखी जाती है जिसका फोकस पूरे साल
रहता है. सो जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है उस पर्टिकुलर थीम पे रहता है पूरे साल. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज यू आर राइट यूर रोल से नो टू करप्शन. ऑप्शन बी इज ब्रेक द करप्शन चेन. ऑप्शन सी इज यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन. और ऑप्शन डी इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन. सो करेक्ट आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च अ मोबाइल एंटी करप्शन ऐप कॉल्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप. किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है एक मोबाइल ऐप दैट इज एंटी करप्शन मोबाइल ऐप 1064. आसाम बिहार, ये दो बार आसाम आसाम आ गया. ओके आसाम बिहार आसाम और उत्तराखंड. सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. सो जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज श्री पुष्कर सिंह धामी. उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेल्प से दैट इज 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, जिसके थ्रू जो जनरल पब्लिक है वो डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर वो कोई भी करप्ट एक्टिविटी देखते हैं इन द ऑफिसेज, पब्लिक ऑफिसेज और कहीं पे भी, तो वो डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल ऐप. तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच UN body organizes the International Anti-Corruption Day. Anti-Corruption Day जो है वो किस organization द्वारा organize किया जाता है? So option A is UNCTAD, United Nation Convention for Trade and Development, United Nation Conference for Trade and Development, UNDP that is United Nation Development Program, UNESCO that is United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization and UNICEF that is United Nation International Children Emergency Fund. So, what is the correct answer? Two organization milke ye karti hai, that is one is UNDP and other is UNODC. That is United Nation Office on Drug and Crime. ड्रग एंड क्राइम. सो इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है एंटी करप्शन डे. नेक्स्ट इज विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वॉज ऑनर्ड विद द यूएस एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड. रिसेंटली एक लेडी को मिला है दैट इज एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड, तो इसमें से वो कौन है? इस तरह के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे गए हैं. सो ऑप्शन ए इज दिशा रावी, ऑप्शन बी इज अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन सी इज सुनीता कृष्णन और ऑप्शन डी इज प्रशांत भूषण. तो ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको ये अगर आपको आते हैं तो यू विल मार्क द राइट. इसमें आप गेसेस नहीं कर सकते, ना ही वॉइल ना ही एजुकेशनल. सो द करेक्ट आंसर इज अंजलि भारद्वाज. उनके बारे में कुछ डिटेल मैंने यहाँ मैंशन किया जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. ओके नेक्स्ट इज वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस situated. Option A is Berlin, option B is The Hague, option C is Washington DC or option D is Geneva. Correct answer for question number 11 is option B, The Hague. Next is according to Corruption Perception Index 2023, the country with the highest score. So is tarah ke questions bahut puchne ke chances hain. So what will be the correct answer? Finland, Denmark, New Zealand or Spain. To maine aapko bataya tha ki जो डेंस कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज है वही मोस्टली हर इंडेक्स में रैंक होल्डर्स होती हैं, दैट इज टॉपर्स रहती हैं. सो इसमें जो टॉप है दैट इज ऑफ डेनमार्क. फिनलैंड न्यूजीलैंड भी है बट द फर्स्ट पोजीशन इज ऑफ डेनमार्क. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022. तो ध्यान से आपको देख लेना है कि 2022 का पूछ रहे हैं 2023 का पूछ रहे हैं. सो 2022 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा है? So 2022 में था 85. So the correct answer will be C. और 2023 में था it is 93. ठीक है, तो recently जो corruption perception index निकला है उसमें
जो इंडिया का रैंक रहा है दैट इज 93, और जो 2022 में था दैट वॉज रैंक, यस व्हाट वॉज द रैंक, दैट वॉज द रैंक 85। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन दोनों मेंशन होंगे और आप कहीं गलत मार्क ना कर दें। सो 2022 में 85 रहा है और 2023 में इट वॉज 93। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विसल ब्लोअर एक्ट वॉज पास इन विच ईयर, 2005, 2004, 2014 और 2020? सो द करेक्ट आंसर इज 2014। विसल ब्लोअर एक्ट, जो लोग एंटी करप्शन और करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इस एक्ट में मेंशन थे। सो विसल ब्लोअर होते हैं जो करप्ट एक्टिविटीज के बारे में कंप्लेन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में इंटीमेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। सो इन विच ईयर संथानम कमेटी वॉज केम इनटू फोर्स, तो संथानम कमेटी किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू विजिलेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, विजिलेंस, सो इट वॉज केम इनटू फोर्स इन ईयर 1960, 64, 74 और 84। So, Santhanam Committee was came into force in the year 1964. Next question, in which year Human Trafficking Prevention, Protection and Rehabilitation Bill enacted? Enact kis saal mein kiya gaya? Option A is 2018, B is 2001, C is 2019 and D is 2017. So, the correct answer is 2018. सो हमारी वेबसाइट पे JKSSB कॉन्स्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को उन कोर्स का फ़ायदा उठाना है वो जाके हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पंगल सर के जो मैथ्स के वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल 20 ईयर्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा? तो ये एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? नीति आयोग, यूनिसेफ, IOM और UN? IOM इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज IOM। सो दैट्स इट फॉर टुडेज MCQs। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए MCQs के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।